90 के दशक की खूबसूरत एक्टर दिव्या भारती आज भले ही हमारे बीच न रही हो, उनके स्टारडम और खूबसूरती के किस्से आज भी जग हाजिर हैं। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में ऑफर मिलने लग गए थे, लेकिन 16 उम्र की तक ही उन्हें फिल्मों में आने से मना कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो एक सुपरस्टार के रूप में सामने आई। इन्होंने इंडस्ट्रीज में धमाल मचा दिया, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में इन्होंने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। वैसे तो उनकी जगह आज इंडस्ट्री में कोई नहीं ले सकता, उनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। लेकिन आज हम उनकी बहन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो उनकी जितनी खूबसूरत है। उनकी बहनें उनके ही नक्शे कदम पर चल रही हैं और वो इन दिनों दूर नहीं जब वो बॉलीवुड में टॉप हीरोइन की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। ये और कोई नहीं, कायनात अरोरा। उन्होंने साल 2010 में अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कायनात अरोरा दिव्या भारती की चचेरी बहन है। उनकी आंखों में भी बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था, लेकिन वो तब भी फेमस नहीं थी, पर अब वो उन्हें लोग जानने लगे हैं। कायनात अपनी बहनें की इस तरह सिल्वर स्किन की शोभा बढ़ा रही हैं। उन्हें पॉपुलरिटी अपने एक बयान की वजह से मिली। पिछले दिनों बढ़ते शोषण के मामले को अपने बयान के कारण चर्चा में आई थी। उन्होंने कहा था कि शोषण फिल्मों के कारण नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता के कारण हो रहा है। कायनात बहुत ही हॉट और सेक्सी हीरोइन के रूप में जानी जाती हैं। उनके बारे में अभी भी लोग कम ही जानते हैं। उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा में आइले आइले गाने में आइटम नंबर किया था। उन्होंने जन्म देहरादून में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा उन्होंने वहीं से की। फिर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनर नई दिल्ली से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपने बॉलीवुड के कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। वो बहुत सारे एड्स में आ चुकी हैं, जैसे कैडबरी, मारुति के साथ साथ लक्स। उन्होंने 2011 में आई फिल्म ग्रैंड मस्ती में भी काम किया था, जिसके अलावा कायनात पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इसमें एक और फरार है जिसमें कायनात के साथ दीपक ग्रेवाल भी थे।